ओ भाई, ब्राह्मण है। दूसरा भाई वहां है भाई साहब। ये तो कंटिन्यू आगे को है भाई, सही नहीं है कुछ आगे जानवर वगैरह होंगे तो कुछ नहीं है। नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त प्रोफेशनल गांव वाला, और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह, मतलब जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं भाई। मतलब अब गांव वालों का ये है बोलना कि वो जो जगह है वो किसी ऐसे खुफिया वो सुरंग बनाई थी, ऐसे पूरा टनल बनाई थी ऐसे जाने के लिए, ऐसा बोलते हैं। बाकी पता नहीं, क्योंकि जिस उस जो टनल में जो भी गया है वो भाई वापस नहीं आया, उसका रीज़न हमें नहीं पता। लेकिन आज हम जाएंगे, बढ़िया देखेंगे है क्या माजरा। हाँ भाई, जितना हमसे हो पाएगा। साथ में है हमारे शुभ भाई और शशि, पैराग्लाइडिंग पायलट। तो अभी जाएंगे। अभी आपको यहाँ से व्यू बताऊँ तो भाई बहुत ही अलग टाइप का इलाका है। बस इतना से गया? अरे आज हम जाएंगे। कैसा डर लगा? डर तो लगा आपको? सन सन ताड़ी। तो चलो भाई, अभी तो ट्रैकिंग जाने की। ये देखो भाई, जगह ही अलग है। नाइस। सो ये है वो जगह भाई, और अंदर देखो भाई, पूरा अंदर सुरंग है भाई। वाह भाई। शशि भाई चलिए, क्या करना? शशि भाई रहने दो मेरे हिसाब से। आई जा रहा, चल कम हो रहा। चल बड़ा सही था। सही ना करा इधर। ए बैठ दे अंदर जा रहा। क्या जा आ जा का बैठ ने अंदर। सांप वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं है। खुली है? बड़ी खुली अंदर। आ जा जा बड़ी है खुली भाई। सर जी भाई, मेरे को ना कुछ सही लग रहा है। तो ले सर जी भाई, मैं ऑन करता भी। चल आ जा घोसड़ा। इतनी मस्त बैठने जगह से तू सा। हाँ जा अंदर। ओ भाई ऊपर भी है। अरे का दूजा भी हो रहा था। सही कोई कभी मैं बोलता ना हो जाओ इधर। सही नहीं है कुछ आगे जानवर वगैरह होंगे तो कुछ नहीं है। नहीं यार कह के भाई समझ करो। वो जानवर का पता लग जान तो नहीं है थी कुछ भी। यहाँ करो कैमरा, इधर करो, आगे आगे करो कैमरा। कितने माण भर सकते अंदर? त्रै चार आ जाने से। त्रै चार नहीं ज्यादा आने। कैमरा होना देख ला। वो जाए तो भी बैठ ले। उधर कुछ नहीं है। बाहर चलिए, बाहर जाना। मैं तेरे नहीं भाई, कसम से मुंह से नहीं गया जाएगा भाई, कसम से यार। बहुत ही खतरनाक जगह थी भाई, बहुत खतरनाक जगह थी भाई। ये गए नहीं अंदर पूरे यार भाई, डर गए। डर गए भाई। ओ भाई साहब, तो सांस फूल रही है भाई अंदर। तो भाई इस सुरंग में अंदर जाके भाई, हमारे शशि पैराग्लाइडिंग जो है ना बंदा, इन्होंने पहले बताया था कि यहाँ पर अंदर कम से कम 3-4 कमरे हैं भाई, 10-10 फुट के, और आराम से वहाँ पर बंदे रह सकते हैं। तो मुझे नहीं पता भाई ये किस लिए, किस बंदों ने बनाया था कि क्या सिस्टम, या फिर बंद हो गए अभी पत्थर गिरे हैं। हाँ ऊपर से पत्थर वगैरह गिरे थे तब करके, वरना ये गए थे कम से कम 5-6 साल पहले गए थे ये। तो भाई बहुत ही बढ़िया अंदर बोला खुला था, लेकिन होता ना यार कि अभी हमें थोड़ा डर लग गया क्योंकि पूरा पैक था और हड्डियाँ थी भाई अंदर। सो भाई हमने फिर से डिसाइड किया कि हम फिर से जाएंगे अंदर, और इस बार पूरा देखेंगे भाई। पहले हिम्मत नहीं हुई लेकिन अब फिर से जाएंगे। तो लेट्स गो। चलो जी वीडियो। इल्ला हाँ
चल टुकड़े मत कर अपने नौ बस तो भाई मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ऊपर और देखते हैं भाई अंदर क्या है। चलिए चलिए तो चलिए ठीक है यहाँ से तो भाई पूरा ब्लॉक है लेकिन यहाँ से पूरा ब्लॉक है लेकिन यहाँ से है भाई नीचे को एक यहाँ पर नीचे को है और दिखाओ भाई सुबह इस साइड होना दूसरा भाई वहाँ है भाई साहब ही तो कंटिन्यू आगे को है भाई वो भाई क्या करेगा का भाई ये तो बहुत पतली है यार यहाँ जास्ते हम यहाँ पर भी है लेकिन फिर हम ऊपर नहीं आ पाएंगे और कुत्ता पड़ा हुआ है मरा हुआ कहाँ पर है नीचे नीचे इस साइड हाँ भाई वो देखो कुत्ते का कुत्ते की ये तो भाई फेस है ये तो कुत्ते का और तेरे पाँव के पास कुत्ते के पाँव के हड्डियाँ नहीं कहाँ पर ये भाई वो भाई ये देखो भाई ये तो पाँव है क्या करना अंदर जाना ओ भाई थक भाई चलते यारो मुझे सेफ लग रहा इधर फंस गया ओए ओए मोबाइल पकड़ रहा बस 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 मैं आ जाऊंगा फंस गया ओए नहीं भाई नहीं। नीचे जोर का है ना काफी था नीचे और लेकिन हम जान सकते थे भाई और हाँ रस्सी हो तो फिर निकल पाएगा बंदा हाँ यार सही में है नाग कहाँ है भाई अंदर नाग आगे कुदिया कुदिया है इधर काका भाई यहाँ से ये जगह लिंक तो नहीं करती है उस सुरंग के साथ नहीं मेरे को लग रहा है ए एरिया एड़ा ना सारे इतने सांप मिल रहे हैं टोटल ए एरिया एड़ा यहाँ से भाई दिख नहीं रहा कुछ भी अंदर बट मेरे को लग रहा है कि ये लिंक करती है चीज़ आगे सुरंग के साथ थोड़ी सी पतली है वो जगह इसलिए नहीं जा पाए आगे तक लेकिन मज़ा बहुत आया भाई आगे तक थोड़ी सी आग जलाई देखा कि लेफ्ट या राइट साइड कितनी जगह है लेकिन जहाँ पर मैंने आग डाली थी उधर थोड़ी सी नीचे को ऐसी थी केव और यहाँ से ऐसे कर रहे और एक थी वो लंबी थी आगे को लेकिन वो बहुत पतली थी क्योंकि कुछ टाइम पहले जैसे वो गिरा था मतलब जैसे थोड़ा सा पत्थर हिला था वो वाला तो उसकी वजह से सारे पत्थर उधर आ गए थे ऐसा हमारा भाई शशि बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था बोला तो उसके बाद अभी मैं जब गया था तो बोला बढ़िया केव थी बोला अंदर तक काफ़ी लेकिन जब आज हमने देखा तो नहीं था भाई थोड़ा टाइट हो गया था इसलिए नहीं जा पाए और भाई हम भी मोटे हो गए हैं भाई अब नहीं जा पाएंगे और भाई फैक्ट ये है कि ये जो केव है ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है मतलब हमारा घर है
और सामने वाली पहाड़ी में ये केव है। तो और एक केव नहीं है, दो केव है, और दूसरी वाली केव है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि भाई इसी केव में इतने डर गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जो उस वाली केव में जाएंगे उसके लिए हार्नेस वगैरह, जो सेफ्टी बेल्ट वगैरह जो होती है वो चाहिए, बिकॉज जो केव है पहले वो काफ़ी डाउन है, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, लेकिन वो भी थोड़ी छोटी छोटी हो गई है, बिकॉज उसमें काफ़ी पत्थर वगैरह फेंके थे, क्योंकि उसमें एक बच्चा गया था और वो वापिस नहीं आया। भाई सुना है इसके बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, और यहाँ पर मत जाना भाई, मत जाना मत जाना, छोटे छोटे थे तो हमको उस एरिया में भेजते ही नहीं थे भाई, जब हम खेलने जाते थे या फिर पशु वगैरह जो हमारे गाय वगैरह को चरवाने जाते थे तो उधर तो जाना ही नहीं, सख्त मना होती थी। तो अब हम जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे, और सेफ्टी के साथ जाएंगे भाई, बिल्कुल। अगर हम जाएंगे तो बढ़िया सेफ्टी के साथ जाएंगे, अपने सेफ्टी टूल्स और औजार वगैरह, हथियार वगैरह, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा, तो वो भी डालेंगे बढ़िया। और हाँ भाई, जो इस वीडियो पे, इस ब्लॉग पे आप नए आए हैं तो भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा दें भाई। तो चलिए फिर इसी पल के साथ मैं आपसे कहता हूँ विदा, और स्वागत करूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।